69 दिनों बाद आज हमारा देश अनलॉक 1.0 के कंडीशन पर आ गया। हम बता दें कि जब हमारे देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 500 के आसपास था तो हमारा देश पूरी तरह से लॉकडाउन था, लेकिन आज अगर बात किया जाए संख्या के बारे में तो लगभग 2 लाख के आसपास पॉजिटिव संख्या हमारे देश में है। उसके बाद आज 1 जून से हमारे देश को अनलॉक 0.1 में किया गया है, जिसमें तमाम गाड़ियों का परिचालन होगा, तमाम धार्मिक स्थानों का आगामी 8 तारीख के बाद से खुल जाएगा, शॉपिंग मॉल खुल जाएगा, रिटेल दुकानें खुल जाएंगी। ऐसे में क्या ये सरकार द्वारा उठाया गया कदम सही है? सही है तो किस हद तक सही, आइए हम बात करते हैं इस विषय पर डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव। मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगी कि संक्रमण इससे बढ़ने का खतरा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मे भी इससे संक्रमण और बढ़े, लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और संक्रमण बढ़ता जाए। बट हम इसके साथ ये भी कहना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए लॉकडाउन न खुलता तो लोग बहुत सारे लोग भूखे भी मर रहे थे, और इस स्थिति में सिचुएशन ये है कि जैसे एक डॉक्टर है, अगर आर्थोपेडिक सर्जन है और किसी की पैर की हड्डी टूट जाए या हाथ की हड्डी टूट जाए तो कुछ समय तक तो उसे बिस्तर पर रखता है कि चलिए भाई बिस्तर पर है, प्लास्टर लगा हुआ है, लेकिन छुट्टी दे देने का मतलब उसका ये नहीं होता है कि वो मरीज तुरंत चलने लगे जी। तो उसी तरह से अगर सरकार ने इतने दिन तक लॉकडाउन किया है तो इतने दिन तक जनता अपने घरों में बंद रहकर जनता को ये समझ लेना चाहिए कि हमें जिस तरह से रहते आए हैं लॉकडाउन में, थोड़ा बहुत निकल सकते हैं तो उसी तरह थोड़ा बहुत परहेज करते हुए निकलना है। जिस तरह से कि प्लास्टर छूटने के बाद एक जो है मरीज जो है धीरे धीरे चलता है, न कि वो एकाएक पहले की तरफ दौड़ने लगता है। जब हमारे देश को लॉकडाउन में किया गया संख्या 500 के आसपास, संक्रमण बढ़ने की पूरी आशंका है, क्योंकि पब्लिक इतने दिनों तक घर में रहने के बाद जब बाहर निकलेगी तो वो और तेजी से संक्रमण फैलेगा और एक दूसरे के सब लोग टच में आएंगे, संपर्क में आएंगे और संक्रमण और तेजी से बढ़ने की आशंका है। लोग छुएंगे और अगर परहेज नहीं रखे या अपने उसमें नहीं रहे तो संक्रमण अधिक से अधिक फैल जाने की आशंका है। उसका प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव हमारे देश पर, हमारे देश के लोगों पर। सरकार के इस कदम के बारे में क्या कहेंगे? अब सरकार के इस कदम के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया होगा सोच समझ कर लिया होगा, और फिर भी अभी कुछ दिन तक लॉकडाउन और रहना चाहिए था जिससे कि चीज़ें गड़बड़ न हो, और या जब तक कोई इसका इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की कोई चीज़ें ना दे दी गई होती या कोई वैक्सीन ना निकल जाए तब तक अभी इसे रखना चाहिए था। और इन केस अगर वैक्सीन निकलने में अभी समय है तो एक पर्टिकुलर गाइडलाइन के तहत जो है सरकार को खोलना चाहिए था। लगभग धन्यवाद।